कोहे वकार साहिबे किरदार मर्दे हुर्रियत और बतले अजीम कायदे आजम मोहम्मद अली जिना 25 दिसंबर पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त 1876 में कराची में पैदा हुए। सिंध की अजीम दर्जगा सिंध मदरसतुल इस्लाम के पहले स्टैंडर्ड में दाखिल हुए। सिंध के सर सैयद हसन अली आफंदी की ये दर्जगा आज भी कायदे आजम की यादों से महक रही है। इसी दर्जगा की आज़ाद फिजाओं में नन्ने मोहम्मद अली ने इक्तिसाब के इब्तदाई दर्जे तय किए। फिर चर्च मिशन स्कूल के 6 स्टैंडर्ड में दाखिला लिया। आज ये स्कूल हुकूमती अदम तवज्जही की वजह से तबाही के धाने पर है और बहुत कम लोगों को ये इल्म है कि दुनिया के अजीम रहनुमाओं में से एक कायदे आजम मोहम्मद अली जिना अपने बचपन में इन्हीं राहदारियों से गुजरा करते थे। बाद अजां लंदन की मशहूर दर्जगाह लिंकन्स इन में दाखिला लिया। यहाँ दुनिया के मशहूर कानून साजों में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक को सबसे बुलंद देख कर यहीं पढ़ने का इरादा किया और 1896 में बम्बई हाई कोर्ट से वकालत की प्रैक्टिस शुरू की और कामयाब वकील कहलाए। दिसंबर 1906 में कलकत्ता में मुनक़िदा कांग्रेस के सालाना इजलास में शिरकत की। इसी मुकाम पर उनके जौहर खुले और अपनी रोशन ख्याली अमन पसंदी और रवादारी की वजह से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफीर कहलाए। कांग्रेस से वाबस्तगी पर जल्द ही उन्हें यह एहसास हुआ कि कांग्रेस रामराज चाहती है और सियासी चालबाजियों में अपना जवाब नहीं रखती। वो दिल बर्दाश्ता हुए और बरतानिया चले गए, लेकिन अल्लामा मोहम्मद इकबाल और लियाकत अली खान के इसरार पर दोबारा बरसगीर तशरीफ लाए। तारीख को कितना ही मस्क किया जाए उसकी सच्चाई साबित होकर रहती है और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत के बारे में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे पहले भारत की प्रोफेसर अजीत जावेद ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शान में एक किताब लिखी और उनकी अजमत को सराहा। उसके बाद जनाब वाजपेयी और LK एडवाणी ने जिन्ना को एक अजीम तरीन कायद करार दिया और हाल में जसवंत सिंह ने ये किताब लिखकर दुनिया पर साबित कर दिया कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नेहरू गांधी और पटेल से बड़े लीडर थे और ये भी कि कायदे आज़म उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से कांग्रेस से अलहदा हुए। 1929 में पाकिस्तान की दाग बेल डालने वाले 14 मशहूर नुकात पेश किए और 1934 में मुस्लिम लीगी धड़ों को इकट्ठा किया। अपनी दयानत जुर्रत हौसले और बहादुरी की बिना पर बरतानवी साम्राज्य की मरकजी वजारत को ठोकर मारी, सर का खिताब लेने से इनकार कर दिया। जलियांवाला बाग में मुसलमानों के कत्ले आम के खिलाफ बतौर एहतजाज सेंट्रल असेंबली की रुकनियत ठुकरा दी। 1947 के एक जलसे में जब चंद लोगों ने उन्हें शहनशाह पाकिस्तान कहा तो सख्त नाराज हुए और कहा, मैं पाकिस्तान का शहनशाह नहीं, एक अदना सिपाही हूँ। करारदाद पाकिस्तान के सिर्फ 7 साल बाद उनका खून जिगर रंग लाया और अजीम पाकिस्तान मारज़े वजूद में आया। पाकिस्तान बनने के 13 माह तक वो जिए और एक लम्हे आराम ना किया। तारीख की सबसे बड़ी हिजरत झेली। बिस्तर मर्ग पर फातिमा जिना के सामने गनूदगी से आंखें खोली और सरगोशी के अंदाज में यह आखिरी अल्फाज अदा किए, फाती खुदा हाफिज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
कायदे आजम की असल खबर उनके मजार से 33 कदम नीचे है, जहां फतह कामरानी की आयात कंदा हैं।